यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैं आप सभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक जरूर से वॉच करना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं यार, बिना किसी देरी के। आज काफी जल्दी मैं लग रहा, चलो फिर शुरू करते हैं यार, क्योंकि भाई लोग टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए करते हैं शुरू। तो भाई लोग, इस समय अपन देखो एक साइड ब्रेक लगाते हैं, लेफ्ट वाला, ठीक है, मतलब इस साइड वाला। और उसके बाद में देखो क्या दिखा, दिखाई दे रहा है दोस्तों कुछ। देखो मतलब तीनों के तीनों टायर जोर लगा रहे हैं। बाकी कहने का मतलब, अपन ने फाइनली अपनी कंबाइन 4x4 कर दी। और दोस्तों, ब्रेक सेटिंग भी एकदम मस्त कर दी, मतलब साइड ब्रेक वर्क करने लग गए, पहले नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों देख सकते हैं, देखो मतलब खड़ी खड़ी टेढ़ी घूम रही है धीरे धीरे, क्योंकि दोस्तों, और वो भी बिना स्टीयरिंग काटे, मतलब देख रहे हो एक्सपीरियंस एकदम तकड़ा। तो दोस्तों, इसको यदि काट दें तो और फोकी घूमेगी। देख सकते हैं दोस्तों, एक टायर का ब्रेक लगाओ और ऐसे घुमाओ, देख रहे हो, मतलब मस्त सीन हो गया। अभी इसे घूमने में और ज़्यादा आसानी रहेगी। और वो तो दोस्तों इस समय मतलब टोर्क कम है, यदि अपन फन मोड लगा लेते हैं तो थोड़ा सा और जल्दी घूमेगी। देख सकते हैं दोस्तों, ये लगा ब्रेक, और ये देख सकते हैं स्लिपेज, मतलब पहले से ज़्यादा तेज मार रही है। और देखो घूम कितनी तेज रही है, मतलब पहले से ज़्यादा तेज घूम रही। तो दोस्तों बताना यार, 4x4 इसकी सेटिंग्स आप सभी को कैसी लगी, और ये हमने सही किया या फिर गलत किया, इसके बारे में आप सभी बताना। मतलब साइड ब्रेक एकदम वर्केबल है इसमें, पहले वर्केबल नहीं करे थे, अब कर दिए, ठीक है। अब दोस्तों, अब दिखाने वाले हैं इससे भी ज़्यादा कमाल की चीज़। तो भाई लोग, पहले मैं आप सभी को ये दिखाता हूँ कि इसकी सेटिंग्स कैसे करी है मैंने 4x4 की। तो यहाँ से AWD मोड सेलेक्टेड है, ठीक है। और दोस्तों, टॉर्क अपना वही है नॉर्मल, यदि टॉर्क ज़्यादा कर दें तो और फास्ट घूमेगा। चलो 5000 टॉर्क कर देते हैं, ठीक है। और दोस्तों, अब इसके बाद में इसका टॉर्क देखो घूमने का, मतलब कितनी फोकी घूमेगी ये, मतलब जगह पे घूमेगी जगह पे। और ये दोस्तों, ये देखो, ये घूम रही है बैक, ठीक है, और ये घूम रही है आगे को, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं, मतलब इतने ज़्यादा जोर लगा रही कि मतलब टायर कूद कूद के धरा जा रहा है, एक साथ मतलब कूद ही नहीं रही है, तो ज़्यादा टॉर्क हो गया मतलब उसके हिसाब से। तो दोस्तों, टॉर्क थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं लगभग 2000 के नज़दीक, वरना कंबाइन कूदेगी। जोर ज़्यादा लगा रहे हैं टायर यार, मतलब ज़्यादा अच्छी ग्रिप बन रही है, भारी भारी है ना ऊपर से, तो दोस्तों इसी वजह से, ठीक है। 2000 पे सही बन रही है, देखो देख सकते हैं आप, वो स्पीड देख सकते हैं घूमने की दोस्तों, मतलब ये स्टीयरिंग काटने के बाद यार ज़्यादा दिक्कत कर रही है, मतलब स्टीयरिंग काट देते हैं ना तो ज़्यादा परेशान कर रही है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। और दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं कटर नीचे अड़ रहा है, तो दोस्तों पीछे आगे हटने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी कर रही है, देख सकते हैं, मतलब देखो ये वाला टायर उड़ जाता है तो दोस्तों पीछे नहीं हटती, और अभी अड़ चुके हैं, मतलब दोनों अगले दोनों टायर उठ सके हैं इसके मल्चर की वजह से, मतलब आगे मल्चर नहीं यार, आगे जो कटर है, ठीक है इसका। तो दोस्तों, इस कटर की सेटिंग्स के लिए अपन ने बहुत ही बिंदास जुगाड़ किया है, तो अपन इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट सेटिंग यही है, ठीक है आज की। तो दोस्तों अपन देखो इसको मतलब यहाँ पर कर लेते हैं, और यहाँ पर देखो फुल अड़ चुका, मतलब दोनों टायर उठ चुके हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। अब ये पीछे नहीं हटने वाली, आगे भी नहीं चलने वाली, अब बस पिछले टायर जोर लगा रहे हैं, तो पिछले टायरों से ये पीछे को हटने नहीं वाली, देख रहे हो मतलब कैसे जोर लगा रहे हैं पिछले टायर, लेकिन पिछले टायर से हटेगी नहीं। ओके, तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, ये लगी मेरे को एकदम बहुत ही कमाल की सेटिंग, काफ़ी टाइम लगा दोस्तों इसको करने में। तो करते हैं लिफ्ट अप, तो लिफ्ट अप करने पर सोचो जरा क्या होगा, चलो फिर करके दिखाते हैं। ये देखो, देख रहे हो मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों देख सकते हैं लुक मतलब एकदम बिंदास आ रही है। दोस्तों नीचे जैक लगाएं, ये देख सकते हैं, ठीक है, नीचे जैक लगा दिए हाइड्रोलिक जैक, ताकि यार उठने में इसको आसानी रहे। बाकी इसको अब कहीं भी चढ़ा सकते हैं, जो पहले मतलब परेशान कर दी थी इधर उधर चढ़ने में, तो अब कहीं भी चढ़ेगी, जहाँ मर्जी चाहोगे मतलब वहाँ चढ़ के देगी, ये मतलब पहले से सिस्टम हो गया। और दोस्तों फन मोड लगाने के बाद ये कटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, ये इसके मतलब थोड़े से मतलब सिम्टम्स है, थोड़ी सी कमी है ये इसमें, क्योंकि यार टॉर्क हाई हो जाता तो दोस्तों कटने में कोई भी चीज़ परेशानी करेगी, क्योंकि फिर फ्रंट टायर इसके जोर लगाते हैं और स्टीयरिंग कटता है पीछे वालों से, तो बेहिसाब तरीके से मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, ठीक है। तो दोस्तों इस समय देख सकते हैं इसको उठाने के बाद इसकी लुक कैसी लग रही है, आप सभी बताना कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों यार एक चीज़ और, जो इसका मतलब कटर का कलर चेंज नहीं होता, सिर्फ कंबाइन का होता है, उसका बताना कि कैसा करना है। तो दोस्तों मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा कि मतलब कैसा करना है। दोस्तों आप सिर्फ ये बताओ कि मतलब ये सिर्फ हरा हरा रखना है कटर, जो मतलब आगे उठ गिर रहा है तो ये हरा ही रखना है, या फिर कंबाइन के कलर के साथ मैचिंग होना चाहिए। तो दोस्तों जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट चेक करके उसके बाद में कलर सेटिंग में इसकी फ़र्क लाएंगे। ओके, बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और न्यू वीडियो। बताना यार आपको ये सेटिंग कैसी लगी। और दोस्तों यार चलो मैं खेत जोत कर और दिखा देता हूँ आप सभी को।
मतलब जो खेत है तो यार टॉर्क थोड़ा सा कम कर लेते, नहीं तो ये बेहाल हो जा रही है, मतलब ज़्यादा ही बाहर है समझ रहे हो ना, मतलब ज़्यादा ही कंट्रोल में नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो दोस्तों इसको मतलब कंट्रोल में लाते हैं, तो अब थोड़ी कंट्रोल में आई क्योंकि अब अपन ने फन मोड बंद कर दिया। फन मोड यार, फन मोड ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, तो फन मोड लेकिन दोस्तों ये फन ही करने के लिए है सिर्फ, फिर काम नहीं कर सकते आप इससे। तो दोस्तों स्पीड ठीक ठाक जा रही है, 90 के करीब 100 पहुँच गई यार, और 100 स्पीड लिमिट है इसकी। तो अपन अपने खेत के पास ही लेकर चलते हैं, वैसे मुझे आइडिया अपना खेत इसी सामने है थोड़ा सा, मतलब वो सामने जो स्काई ब्लू वाली झोपड़ी है उसके पास अपना खेत है, तो वहीं पर लेकर चलते हैं ठीक है। फिर दिखाता हूँ मैं आप सभी को जोत के खेत इससे ठीक है, मलचर मतलब कि अब कैसा वर्क कर रहा है वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो आ चुके हैं अपन देखो दोस्तों खेत के पास, मतलब काफ़ी पास, और ये अपन आ चुके हैं रास्ते पे, देख रहे हो मतलब डायरेक्ट शॉर्टकट लिया है अपन ने बिल्कुल। तो दोस्तों इस समय अपन मलचर कर लेते हैं अब नीचे, क्योंकि अब जुताई का टाइम आने वाला है, तो अब जोतते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों जुताई ठीक है, मतलब एकदम मस्त होनी शुरू। और दोस्तों एक चीज़ और यार, इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा फसल का, तो अपन इसको मतलब मल्चर उठा के भी जोत सकते हैं, जैसे कि यदि ज़्यादा आड़े नीचे सस्पेंशन अपन कम कर लेते हैं, तो दोस्तों ज़्यादा आड़े नीचे तो अपन अप करके भी जोत सकते हैं ठीक है। तो ये देखो अप करके जोतते हैं, ये अप करके और ये थोड़ा सा डाउन, ये थोड़ा सा डाउन, जितना डाउन करेगा तो दोस्तों उतना मतलब बीच बीच में छोड़ भी देती है, यदि मतलब उसके कटिंग के हिसाब से वो बड़ा नहीं है तो दोस्तों बाकी आज की इस वीडियो बस इतना ही था। थैंक्स वॉचिंग एंड लव यू दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए यार अपना सपोर्ट बनाए रखें, बाय बाय टाटा, और कलर सेटिंग के बारे में जरूर से बताना, बाय बाय, थैंक्स वॉचिंग।